Hi students, so till now we have discussed about the autoimmunity, and today we'll move on. So what you discuss in the autoimmunity, let us just have a quick review, because maybe in the last lecture it was a little bit quick. So let us just have a small discussion about autoimmunity first, then we'll move on. See, definition, what it says? It says that if the immune system fails to recognize self from non-self and start destroying the body's own proteins, this lead to some malfunctions which are called autoimmune disease. Now, this autoimmunity or the immunity or this type of problem or this type of disease or this type of immunity is known as autoimmunity. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद अपने बॉडी के जो प्रोटीन्स है, एंटीजेंस है, उसी को नॉर्मली क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में भी एंटीजेंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या उसके अगेंस्ट में वो काम नहीं करता है, क्योंकि देयर इज अ सिस्टम इन द इम्यून सिस्टम विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. मतलब आप अपने बॉडी के खुद के या अपने ओन सेल को वो पहचान सकते हैं और उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. बट इन दिस केस क्या होता है, इन दिस केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी द कैपेसिटी दैट कैपेसिटी इज लॉस्ट. एज ए रिजल्ट द इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. अपना कौन सा है और बाहर से कौन सा एंटीजन आया है, प्रोटीन आया है, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. इससे क्या होता है, ये अपने ही सेल के जो सॉरी अपने ही बॉडी के जो सेल है या जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दिस टाइप ऑफ डिजीज इज बेसिकली इज कंसिडर्ड अंडर और वी कॉल इट एज ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. मान लीजिए अगर अपने ही हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है, हमें दूसरे जो इन्वेडिंग एंटीजन है, फॉरन जो पार्टिकल्स है, उससे हमें बचाना. लेकिन अगर हमारी बॉडी के जो एंटीजन से प्रोटीन को उसको ही अगर हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडिविजुअल टू सर्वाइव, राइट. सो इट इज अ वेरी नो पिक्यूलियर टाइप ऑफ डिजीज. अब इसका ये होता क्यों है, इसके दो रीजन है बेसिकली, और भी है, हम यहाँ पे बेसिकली दो रिस्क डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली दो है, एक है जेनेटिक फैक्टर्स, दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो उसके बारे में बात करते हैं. देखो, जेनेटिक फैक्टर्स मतलब क्या होता है, मतलब जीन लेवल पे कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए, मतलब हमारे हमारा जो सेंट्रल डोग्मा है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए में, कोई जीन अगर डिस्टर्ब हो जाए, कोई जीन जो कि इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर वो ठीक से काम ना करे, मैलफंक्शनिंग उसमें कुछ मैलफंक्शन हो जाए, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एक्चुअली कम्स. ठीक है, सो वी कैन से दैट सम इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग the autoimmune disease than other. कुछ लोग होते हैं जेनेटिकली जो ज्यादा susceptible होते हैं दूसरे लोगों से. कैसे? See, ये होता क्यों है? Basically मैंने क्या बताया कि जब कोई जीन abnormality शो करता है जो कि related है इसी immune system के साथ, तो हमें ये problem हमें दिखता है. ठीक है, now these genes it could be of antibodies, T cells, receptors or this MSC, that histocomplexity genes, और हम बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ना, हमने पढ़ा था आपको कि major histocompatibility complex genes, तो वो T cell receptor हो सकते हैं, उसका gene हो सकता है, या फिर जो antibodies है उसका gene हो सकता है, या तो जो major histocompatibility complex gene है वो भी हो सकता है. ठीक है, जो chromosome number 6 में रहता है, मैं discuss किया था. ठीक है, now the autoimmune disorders occurs more in women than in men. This is very very important. Autoimmune disorder ज़्यादातर किसमें किनमें ज़्यादा होता है, in women than compared to men. Men में ज़्यादा autoimmune disorder हमें नहीं दिखता. ज़्यादातर autoimmune disorder में किसमें कौन से gender में ये ज़्यादा दिखता है, that is in men. ठीक है, now autoimmunity seems to run in some families. Actually ये basically जो autoimmune disorder है ना, पहला तो है ये फीमेल में या मेल में, मतलब वुमन में ज्यादा दिखता है, और ये
हेरिडिटरी है, मतलब जेनेटिकली है, जेनेटिक्स सॉरी हेरिडिटरी मतलब कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है, मतलब सम ऑफ द जीन्स एंड दिस इंडिविजुअल फीमेल्स दे आर एक्चुअली वर्किंग एज अ और फंक्शनिंग एज अ कैरियर, ठीक है, और वो दूसरे नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये फैमिलीज में ये ऑटोमेटिक डिसऑर्डर है, तो वो कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि हाउ इट एक्चुअली इफेक्ट्स, तो हमें वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ सम यू नो ड्रग्स टेकन बाय द इंडिविजुअल, देन केमिकल पेस्टिसाइड्स टॉक्सिन्स, तो कुछ बाहर से कुछ जो केमिकल्स अगर बॉडी में आ गए जो कि टॉक्सिक केमिकल्स है विच आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, सो इट कैन ऑल्सो डिस्टर्ब आवर आवर जेनेटिक सिस्टम और मे बी द पर्टिकुलर जीन, एंड इफ इफेक्ट्स द पर्टिकुलर जीन इन सम वे इट कैन डिस्टर्ब इट, इट कैन डिस्टर्ब द फंक्शनैलिटी नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ द जीन, then as a result it can also lead to the same condition that is called autoimmune disorder. So environmental factors bhi hai, theek hai, so there are some environmental factors which can also affect and it which can also cause this autoimmune disorders, theek hai. To isme hota kya hai, tab discuss kiya, right? So we'll move on. I hope it is clear now that what is autoimmune disorder. To फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सम ऑफ द डिजीजेस आर मेंशन्ड इन द टेबल। देयर आर थ्री कॉलम्स, वन इज फॉर डिजीज, सेकंड इज फॉर ऑर्गन और टिश्यू, थर्ड इज साइंस एंड सिम्टम्स। ओके, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एडिसन डिजीज। तो ये हमने पढ़ा भी एडिसन की डिजीज, एडिसन डिजीज जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो आई होप यू हैव रिमेंबर दैट। सो एडिसन डिजीज में क्या होता है, ऑर्गन मतलब कहां पे इफेक्ट कहां पे होता है इसका, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल कॉर्टेक्स, हमने पढ़ा था ना मेडुला एंड कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो पार्ट है उसको वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, ठीक है, अंडर सेक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो भी हॉर्मोन्स आते हैं वो सिक्रेशन कम हो जाता है, इससे क्या होगा, सिम्टम्स क्या आएंगे, वीकनेस, नाउजिया, वेट लॉस, लो ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, देन डार्कन ऑफ द स्किन पिगमेंट्स एटसेट्रा, दिस आर दी सिम्टम्स, ठीक है। तो ये भी जो एडिसन डिजीज है, तो हम अभी कितने जो भी डिजीज डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्या है, दिस आर ऑल टाइप ऑफ autoimmune disorders, और ये कौन से बॉडी पार्ट में इफेक्ट करता है, उसका क्या सिम्टम्स होते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर टू, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, नाउ इट इफेक्ट्स द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास के बीटा सेल्स को ये इफेक्ट करता है। जैसे आप कभी आपने सुना होगा डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है तो डॉक्टर ये पूछता है कि आपका कोई हेरिडिटरी बैकग्राउंड है क्या, कि आपके घर में कोई किसी को शुगर है क्या, मतलब जेनेटिकली कोई हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्या, मतलब ऐसा ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है क्या। तो आप देख सकते हो डायबिटीज जो है ये भी एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, और ये मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज इट्स अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम, राइट। नाउ अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अब बीटा सेल अगर पैनक्रियास का ठीक से नहीं काम करेगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा अगर ये प्रॉब्लम, तो क्या होगा, जो इंसुलिन है वो ठीक से नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, उसके लेवल को मेंटेन करता है, अगर इंसुलिन नहीं बनेगा ठीक से तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर सॉरी हाई ब्लड शुगर हो जाएगा, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट कैन कॉज दिस डायबिटीज मेलिटस और टाइप 1, ठीक है। एक और होता है, मैं डिस्कस किया था डायबिटीज इनसेपिडस, राइट। चलो नेक्स्ट इज ग्रेविस डिजीज, ये भी हमने बात किया था जब हम पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो ये थायराइड को जो ऑर्गन है टिश्यू है उसको इफेक्ट करता है, इसका सिम्टम्स और क्या है देखो, और साइंस क्या है देखो, ओवर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो है अभी उसका जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, थायराइड का हार्मोन जितना बढ़ेगा
मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। ना ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ये क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है? ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया नहीं है सॉरी, एनीमिया। सो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को इफेक्ट करता है, क्या करता है ये बेसिकली ना, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आरबीसी का काउंट घट जाएगा, इसका मतलब क्या है, द पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। लाइक इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता रहेगा तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल ऑलवेज फील वीकनेस, ठीक है, वो वीक रहेगा, उसको फीवर आएगा हमेशा। नेक्स्ट हाशिमोतोस थायरॉयडिटिस, हाशिमोतोस थायरॉयडिटिस ये भी थायरॉयड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या है, अ फॉर्म स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड पर्टिकुलर और टोटल फेलियर ऑफ द सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो सकता है, थायरॉयड हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कंप्लीटली भी बंद हो सकता है, ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा बंद हो सकता है, ठीक है। और ये ज्यादातर किसमें हमें ये मिलता है, किसमें हमें दिखता है ये ज्यादातर, इन केस ऑफ किसमें मतलब किस जेंडर में हमें ये ज्यादा मिलता है, दैट इज इन वुमन, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन शीथ अराउंड द नर्व सेल्स, ठीक है, ये हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं उसके नर्व सेल में हमने पढ़ा था माइलिन शीथ होता है, ठीक है। तो माइलिन शीथ को ये डिस्टर्ब करता है, इसको अफेक्ट करता है, इससे क्या होता है, लॉस ऑफ प्रिसाइज मसल कंट्रोल, ठीक है। क्या होगा इससे, अगर माइलिन शीथ ठीक से नहीं रहेगा तो मसल कंडक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा बहुत जगह पे, इससे क्या होगा कि जो कंट्रोल है मसल्स का वो उसमें हम उसका जो उसका जो प्रिसिशन है या कंट्रोल जो है वो हम लूज करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इट्स अ मसल डिजॉर्डर, इट्स अफेक्ट द मसल्स and it weakens the muscle and it will actually affect the muscles and as a result the patient or the sorry individual will have weakness and fatigue. These are the symptoms. Now pernicious anemia, pernicious anemia isme kya hota hai, the stomach cells are it affect the stomach cells and the intrinsic factor, ठीक है। और इससे होगा क्या, सिम्टम्स क्या होगा, लो प्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 एंड अ सब्सटेंस नीडेड फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, दैट इज जो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो भी नहीं होगा ठीक से, तो ऑटोमेटिकली आरबीसी का प्रोडक्शन भी घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए एनीमिया फाइनली जो होगा, एनीमिया जो डिजीज है वो हो जाएगा, मतलब एनीमिया जो इंडिविजुअल है वो एनीमिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूमेटिक फीवर, इसमें इसको इफेक्ट करता है हार्ट सेल्स एंड वैल्व्स, हार्ट के वैल्व्स को और हार्ट के सेल्स को, मतलब हार्ट का जो मसल्स है सेल्स उसको इफेक्ट करता है। इससे क्या होगा, यूजुअली यू नो ऑकर्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट। नॉर्मली एक बैक्टीरिया होता है जिसको जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, जब वो थ्रोट में हमारा इन्फेक्शन हो जाता है उससे और नॉर्मली ये फीवर होता है, तब बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस एंड इट अफेक्ट द हार्ट सेल्स एंड द वाल्व्स ऑफ द हार्ट एंड द रूमेटिक फीवर्स मे वीकन द एंटायर हार्ट वॉल एंड मोस्ट ऑफन इट डैमेज द डाइकस्पिड और द मिट्रल वॉल एंड आयोटिक वॉल्स, ठीक है। तो ये जब बुखार हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो वायरस इन्फेक्शन कर देता है हमारे थ्रोट रीजन को, तो उससे ये बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन व्हाट हैपेंस, इट आल्सो इफेक्ट अवर हार्ट एंड इट वीकेंस द हार्ट सेल्स एंड वाल्व्स, स्पेशली द बाइकैस्पिड और जिसको हम मिट्रल बोलते हैं, मिट्रल वाल्व और द आयोटिक वाल्व्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये हमारे जॉइंट्स में होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, आपको पता होगा। सो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस लाइक IgM, IgG, इम्यूनोग्लोबिन M एंड G एंड यू नो कॉम्प्लीमेंट आर डिपोजिटेड इन द जॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे IgM, IgG, ठीक है, इसके लिए वो ये इसको इफेक्ट करता है।
ये दो जो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन इसको इफेक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा जो जॉइंट्स में हमारे हमारे जहां जहां पे जॉइंट्स है, स्पेशली द नी जॉइंट्स एंड दी एल्बो दिस अदर जॉइंट्स, सो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वहां पे जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, बोन में एक दूसरे के साथ बोन फ्यूज हो जाएगा, या आप बोल सकते हो स्पर फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने डिस्कस किया था स्पर क्या होता है, ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा। देखो मान लीजिए कि ये हमारा बोन है, ठीक है, और ये भी बोन है, ठीक है, मान लो ये जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, ये थोड़ा और ऐसा बना लो। अब क्या होगा, होता क्या है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन द कार्टिलेज इज लॉस्ट। कार्टिलेज जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा, बिकॉज आफ्टर द कार्टिलेज इज लॉस्ट द बोन विल फॉर्म द स्पर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे स्पर लाइक स्ट्रक्चर होगा नीचे ऊपर, तो दोनों के बीच में एक तो कार्टिलेज भी नहीं है, और दिस इज द साइनोवियल कैविटी, ये हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है आपको। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में, दोनों बोन में, बिकॉज द सरफेस इज कार्टिलेजेस कार्टिलेजेस आर नॉट देयर, एंड दिस टाइप ऑफ बोन मॉडिफिकेशन एंड द बोन विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं स्पर। और दोनों के बीच में जब जब जॉइंट हम जब जब पेशेंट जब मूव करेंगे और व्हेन दे विल स्टार्ट टू वॉक, सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों बोन के बीच में ये जो स्पर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, एंड फॉर दैट द पेशेंट विल हैव लॉट ऑफ पेन, द पेशेंट विल फील लॉट ऑफ पेन, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्पर, ठीक है, द स्पर एक्चुअली फॉर्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक लम्स, इराइथेमेटोटस और टोसस, SLE। तो ये बेसिकली किस पे इफेक्ट, किसको इफेक्ट करता है, ये किडनी, ब्रेन, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जॉइंट पेन हो सकता है, सिम्टम्स जो है स्लाइट जो है फीवर हो सकता है, अल्सर दिखेगा हमें, ओरल अल्सर मतलब मुंह के अंदर जो घाव है वो बन जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, एटसेट्रा, ठीक है, और ये भी ज्यादातर हमें फीमेल में दिखता है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दैट। नाउ द नेक्स्ट इज इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, नेक्स्ट वन इज इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है हमने वो देखा, अच्छा ट्रीटमेंट क्या है थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आई विल जस्ट डिस्कस, सो यू लिसन एंड यू राइट डाउन, सो आई हैव नॉट गिवन एनी पॉइंट्स हियर, यू कैन नॉट सी एनी पॉइंट, सो व्हाट एवर द पॉइंट यू जस्ट नीड टू लिसन इट प्रॉपरली एंड यू हैव टू राइट डाउन। अब देखो पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ऐसे कोई बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव रोबस्ट या हम बोल सकते हैं ना कि ऑथेंटिकेटेड ट्रीटमेंट अभी तक उतना बढ़िया नहीं है, बट देर आर सम पॉसिबल ट्रीटमेंट्स वी हैव राइट नाउ, सो लेट अस डिस्कस दैट। टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस द कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू डेवलप न्यूअर एंड एडवांस्ड ट्रीटमेंट। तो पहला है जैसे यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट, तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं, जो हमने पहले भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। सो व्हाट इट डूज, इट एक्चुअली ट्रीट और हेल्प टू सप्रेस द ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर पेशेंट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, द पेशेंट्स आर एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर एंड अदर डिजीजेस। अब ये इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स तो एक तो फायदा ये करता है कि इट कैन रेजिस्ट और इट कैन स्टॉप द द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस, यू नो लाइक इट रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बट इसका साइड इफेक्ट क्या है, इट कैन ऑल्सो यू नो लाइक द पेशेंट्स आर एट अ ग्रेट रिस्क of having cancer or other disease, मतलब पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है कुछ और डिजीज भी हो सकता है, सो मतलब एक तरह से ये इम्यूनो सप्रेशन लेना भी बहुत डेंजरस है, ठीक है, तो ज्यादा लेना नहीं चाहिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट प्लाज्माफेरेसिस, PLAZMAPHERESIS, प्लाज्माफेरेसिस, ठीक है, क्या होता है इसमें, अच्छा इन दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मा इज फर्स्ट separated from the patient's blood by by centrifugation, body से patient के body के blood से हम क्या करते हैं
पेशेंट के बॉडी के ब्लड का लेके ब्लड को लेके उसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं और प्लाज्मा को अलग करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर रिमूविंग द रिएक्टिव एंटीबॉडीज फ्रॉम द प्लाज्मा द ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड बैक टू द पेशेंट। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं, उसमें से हम जो ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी में है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज कर रहा है उसको हम अलग करके फिर पेशेंट के बॉडी में हम ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है ये करना, क्योंकि थोड़े समय के बाद फिर से वो प्रॉब्लम पेशेंट को होगा। मतलब जैसे हम डायलिसिस में बार बार ब्लड को हम अलग करते हैं, बिल्कुल वही काम हमें यहाँ पे भी फिर से करना होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट फीजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, टी सेल वैक्सीनेशन। नाउ द वैक्सीनेशन यूजिंग द टी सेल कैन बी एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो हम अलग से वैक्सीन बनाते हैं टी सेल्स का कलेक्ट करके और उसी को हम बॉडी में पेशेंट के बॉडी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, टी सेल्स जब प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा बॉडी में तो फिर ये जो इसका इफेक्ट है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का वो घट जाता है, ठीक है। और क्या है, सम यूज ऑफ सम एंटी सॉरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ऑल्सो यूजफुल देन यूज ऑफ स्टेम सेल्स एटसेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, सॉरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और डिजीजेस। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होता है, अभी देखो पहले हमने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम खुद जो है वो डिस्टर्ब हो गया, वो है ऑटो इम्यून, और इम्यून डिफिशियंसी मतलब इम्यूनिटी ठीक से नहीं काम कर रहा है। तो दोनों अलग है। पहला कंडीशन था इम्यूनिटी जो है वो अपने ही जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो सेल्स है उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है बॉडी का, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। और इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब है कम, जैसे हमने पढ़ा ना कि पढ़ा है हमने न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीजेस, वैसे इम्यूनिटी डिफिशियंसी डिजीजेस। तो इम्यून डिफिशियंसी मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम डिफिशियंट है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इम्यून डिफिशियंसी डिजीजेस। तो बेसिकली जो तो इसमें थोड़ा बात होता क्या है, इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कंडीशंस वेयर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी आर वीकेंड लीडिंग टू रिपीटेड माइक्रोबियल इंफेक्शंस। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में अगर छोटा सा कट हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इट विल फाइट अगेंस्ट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर कमिंग एंड सेटलिंग, ट्राई टू सेटल डाउन इन दैट एरिया, राइट। Or maybe just imagine that we are having some small bacterial infection also. So what happens? Our body naturally, generate the response antibodies and they kill the invading microorganisms and we are safe. But ये कब होगा, जब हमारा immune system normally function करता है तब। मान लीजिए कि हमारा immune system जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसका इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्वेडर्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स पैथोजन हमारे बॉडी में आ जाएगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे ठीक से उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, उसके अगर लड़ नहीं सकता, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ठीक से नहीं बना पाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा उससे, तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर नहीं मार पाएंगे तो वो नंबर ग्रो कर जाएगा, वो डिजीज हमें हो जाएगा, तो बार बार हमें क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, हमें कोई बीमारी हो सकती है, या मान लो अगर हमें कोई कट हो जाए तो वो भी ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। फर्स्ट इज प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, सेकंड इज सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है। सी दीज डिजीजेस एग्जिस्ट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही ये प्रॉब्लम जो इंडिविजुअल है उसको होता है, उसको रहता है। इसमें होता क्या है, अ पर्सन मे बी विदाउट बी सेल्स और टी सेल्स और बोथ फ्रॉम द बर्थ। देखो हमें पता है कि इम्यून सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है, जो रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, वो है हमारा बी सेल देन टी सेल्स, राइट। हमने डिस्कस किया था द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो कुछ जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही बी सेल्स और टी सेल्स उनमें बहुत कम होता है या नहीं होता है, तो वो शुरू से ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज उनमें रहता है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, इसको इसका एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो SCID इसका एग्जांपल है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। आई एम रिपीटिंग इट, सीवियर
कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज SCID, दिस इज एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, इसमें क्या होता है, अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज मैल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, देन मैलिजेंसी, देन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है, देन दिस ऑल दिस फैक्टर्स कैन लीड टू दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स और द ऑटो इम्यून इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। सो पहले हमने क्या देखा, प्राइमरी मतलब जन्म से होता है, बाय बर्थ होता है, सेकेंडरी मतलब बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स इट कैन लीड इट कैन एक्चुअली हैपन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज। उसमें कारण क्या हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। ओके, नाउ द सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज आर मोर कॉमन देन प्राइमरी डिफिशियंसी डिजीज। प्राइमरी डिफिशियंसी डिजीज से सेकेंडरी जो डिफिशियंसी डिजीज है वो ज्यादा कॉमन होता है। एग्जाम्पल एड्स एंड हॉडकिंस डिजीज। हॉडकिंस डिजीज इट्स एक्चुअली अ मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ लिम्फैटिक टिश्यूज, अ फॉर्म ऑफ लिम्फोमा, ठीक है। तो हॉडकिंस डिजीज क्या है, ये एक लिम्फैटिक टिश्यू के साथ रिलेटेड डिजीज है, कॉमनली हम इसे बोलते हैं इट्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ लिम्फोमा, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो SCID हमने डिस्कस किया, वो उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो ऑटो इम्यून इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस करना है हमें, दैट इज द एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। So acquired immunodeficiency syndrome, जिसको हम AIDS कहते हैं, it is caused by, see, देखो, AIDS जो है, it's a situation, it's a condition of a patient, of an individual, after the incubation period of the causative organism or the causative pathogen. So in this case, AIDS is caused by a virus that is called HIV. And HIV का full form क्या है? Human immunovirus. तो अभी डिस्कस करते तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस। सी एड्स इज व्हाट, इट इज अ डिसऑर्डर और इट्स अ डिजीज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि एड्स क्या है, इज इट अ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और नॉट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पढ़ा था। तो ये जो है इट इज एक्चुअली सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि आपको जो हमारा जो जो इम्यून सिस्टम है विच इज वर्किंग इन सम पर्टिकुलर सेल्स, बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर सेल्स लाइक the T cells, B cells, हमने डिस्कस किया था ना, तो उसको ये इफेक्ट करता है। And as a result, what is happening? It actually causes the deficiency, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है हमने वो डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक बार याद कर लेते उसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो एक तो होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और जिसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया था। दूसरा था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, तो इसमें हमने देखा था कि बेसिकली दिस टी सेल्स एंड देयर आर टाइप्स ऑफ टी सेल्स, वी हैव डिस्कस द हेल्पर टी सेल्स, देन टॉक्सिक टी सेल्स, देन मेमोरी टी सेल्स, राइट। सो व्हेन इट एक्चुअली इफेक्ट इन केस ऑफ दिस एड्स, इट इफेक्ट द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, तो ये आपको याद रखना है। So there is a reduction in the number of helper T cell. इसमें होता क्या है कि जो helper T cell है इसका number drastically बहुत ज्यादा घट जाता है, from the normal जो count है उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। And which stimulate the antibody production by B cell. Basically जो helper T cell होता है वही B cell को stimulate करता है
एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर उसका नंबर घट जाएगा तो वो बी सेल को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएगा, तो हमारी बॉडी में जो प्रॉपर क्वांटिटी या नंबर में हमारा जो बी सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा. सो एज अ रिजल्ट द इम्यून सिस्टम विल हैव डेफिशिएंसी, राइट. सो दिस इज द एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन दिस 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 टाइप ऑफ डिजीज इट विल एक्चुअली ऑकर. थोड़ा भी डिस जो आपके एड्स के जो हिस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं. सी एड्स और दिस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन यूएसए अमंगस्ट द होमोसेक्सुअल इन 1981. ठीक है, जो होमोसेक्सुअल थे उनमें ये 1981 में सबसे पहली बार ये डिजीज डिटेक्ट हुआ था, देखा गया था. ठीक है, रॉबर्ट गैलो and his associates at the National Cancer Institute USA discovered the first human retrovirus. So a scientist there, unka naam tha Robert Gallo, National Institute of Cancer USA mein unhone sabse pehli baar ye jo retrovirus ko recognize kiya tha, unko unhone isko dekha tha, identify kiya tha. Now they identified the human T cell lymphotropic वायरस टाइप 1, और नाम क्या दिया था उन्होंने इसको, नाम दिया था ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप 1. ठीक है, दैट वाज़ द नेम गिवन बाय दिस साइंटिस्ट. ठीक है, नाउ प्रॉपरली द एड्स वायरस वाज़ डिस्कवर्ड प्रॉपरली बाय द लक मॉन्टेंगर एंड कलीग्स इन द इंस्टीट्यूट Pasteur in Paris in 1983. Properly जो आपके AIDS virus को properly first time as a AIDS virus or deficiency virus जो recognize किया था वो हुआ था 1983 में, Institute Pasteur Paris में 1983 में. और जो discover जिन्होंने किया था उनका नाम था Professor Luc Montagnier और उनके साथी. ठीक है, so that is the history. Like first time how the AIDS virus was discovered. ठीक है, now what is this? Let us have a little background about the AIDS virus. See, the AIDS virus was officially named Human Immunodeficiency Virus in 1986 by the International Community of Viral Nomenclature. ठीक है, सो वायरल नोमेनक्लेचर जो उसका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार प्रॉपरली जो उसका उसका नाम जो हमने दिया था वो 1986 में हुआ था. एंड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और द मेडिसिन फॉर द 2008 वाज अवार्डेड टू फ्रांसिस्को बरे सिनोसी एंड लक मॉन्टेग्नर फॉर द डिस्कवरी दैट द इन्फेक्शन ऑफ HIV कॉज AIDS. तो जो ये साइंटिस्ट थे जो पेरिस में हमने पढ़ा प्रोफेसर लक मॉन्टेग्नो उन्होंने उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए. ठीक है, मतलब AIDS वायरस वाज और मी इट वाज फर्स्ट, मतलब ये माना जाता है कि AIDS वायरस जो है बेसिकली वो शायद मंकी से ह्यूमन पॉपुलेशन में अफ्रीका में फर्स्ट आया होगा ये माना जाता है. मतलब एग्जैक्ट कोई प्रूफ नहीं है, बट देर आर सम प्रूफ्स आर आल्सो देयर व्हिच एक्चुअली इंडिकेट दिस टाइप ऑफ कंक्लूशन व्हिच हेल्प टू हैव ड्रॉ दिस टाइप ऑफ कंक्लूशन. देयर इज इन 1960 में शायद ये हुआ था कि मंकी से ह्यूमन बींग में आया था बिकॉज ऑफ सम वे सम रीजन. ओके, and the South Africa is considered as the world AIDS capital. So these are the points you should remember. Question aa sakta hai isse ki South Africa, a world AIDS capital, hum kise kehte hain? South Africa ko kehte hain. Theek hai, now we'll talk about the causative virus or the causative agent. To isme jo virus hota hai, humne pehle hi baat ki abhi, jo the virus which actually cause this disease, that is HIV, human इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. और HIV इज अ रेट्रोवायरस दैट अटैक्स द हेल्पर टी सेल. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल को अटैक करता है. इट्स अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस. ठीक है, नाउ
we need to discuss about the shape or the structure of the retrovirus. This HIV कैसा होता है, इसका shape कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है? What are the different parts we can see? Now, the virus is spherical with a diameter of 90 to 120 nm and its genome consists of a single stranded RNA filament segmented into two identical filaments and associated with a reverse transcriptase enzyme. तो क्या कह रहा है कि वायरस जो स्पेरिकल होता है, इसका जो डायमीटर है बेसिकली वो 90 से 120 nm का होता है. उसका जीनोम अगर हम देखेंगे, उसका उसको जो जेनेटिक मटेरियल अगर हम देखेंगे, सो इट इज एक्चुअली अ मेड अप ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फिलामेंट. ठीक है, उसमें टू आइडेंटिकल फिलामेंट्स हमें दिखेंगे, उसमें साथ में हमें और क्या मिलेगा, साथ में जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम भी रहता है. नाउ द एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर और इनका जो कैप्सूल है जिसके अंदर ये मतलब कवर करता है, मतलब आउटसाइड जो कैप्सूल है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनके चारों तरफ, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोजेक्टिंग लाइक प्रोजेक्टिंग नॉब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स. और वो जो जो लिपिड बाइलेयर होगा उसके चारों तरफ मतलब उसके उसमें क्या रहेगा, स्पाइक लाइक जो प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, वो दिखेंगे हमें. एंड इट कंटेंट्स टू प्रोटीन कोड्स. इसके पास क्या होता है, दो दो प्रोटीन, इनमें क्या होता है, दो दो प्रोटीन के कोड्स भी होते हैं. ठीक है, तो एक बार डायग्राम देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. लेट अस सी द डायग्राम वंस. सो लेट अस सी द डायग्राम वंस. सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ड्रॉ दिस. तो हमने क्या देखा कि इसका जो लेयर है, इट इज हैविंग अ लिपिड बाइलेयर. तो आप देख सकते हो, सो दिस देयर द लिपिड बाइलेयर, इट्स एक्चुअली कवरिंग द एंटायर स्ट्रक्चर. और इसमें दो प्रोटीन के कोट्स होते हैं. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है, तो आउटर मोस्ट दिस इज द लिपिड बाइलेयर. देन यू कैन सी देयर इज अ प्रोटीन लेयर, दो है, मैंने हमने दो बोला था ना, देखो ये एक है, दूसरा वाला ये है. सो दिस आर दी प्रोटीन कोट्स. दो प्रोटीन कोट होते हैं, एक ये दो. और उसके बाद जाके बाहर में टोटल प्रोटीन जो पूरा स्ट्रक्चर से कवर कौन करता है, लिपिड बाइलेयर. और उसमें हमने क्या देखा था, क्या बताया था कि स्पाइक लाइक जो ग्लाइकोप्रोटीन से ऐसे निकला रहेंगे, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स, सो स्पाइक प्रोटीन्स भी हम कहते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा. ठीक है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर है. और जेनेटिक मटेरियल हमने क्या देखा, देयर इज टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फिलामेंट्स, हमें क्लियरली दिखेगा. साथ में यहां पे हमें और क्या मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम. ठीक है, तो ये भी हमें मिलेगा. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एड्स वायरस, दैट इज एचआईवी वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट अस कंटिन्यू. नाउ Now, क्या है मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एड्स वायरस, ये काम मतलब कैसे, इसका एक्शन कैसे, ये काम कैसे करता है, ये होता ये करता क्या है हमारे बॉडी में जाके, क्या करता है वो हम देखेंगे. सी आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द वायरस इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर द आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म अ वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. अभी हमने देखा कि आरएनए स्ट्रैंड्स दो दो होते हैं, उसके फिलामेंट होते हैं, हमने जीनोम में देखा एचआईवी वायरस के, उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम रहता है. वो करता क्या है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम यूज करके वो डीएनए जो है उसको बनाता है. ठीक है, सो इट द वायरल डीएनए विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और मेथड द प्रोसेस एंड विच इज एक्चुअली डन बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. ठीक है, Now the viral DNA. अब जो viral DNA बन जाएगा RNA से, तो फिर क्या होगा? Now the viral DNA gets incorporated into the host cell's DNA. पहले क्या करेगा? पहले तो है वो RNA से DNA को, viral DNA बनाएगा reverse transcriptase से. उसके बाद वो DNA क्या होगा? Host cell के जो DNA genetic material है उसके साथ जाके मतलब incorporated मतलब it will become a part of the host cell. डीएनए वो सेल का डीएनए का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, एंड डायरेक्ट्स द इंफेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरसेस.
अब ये क्या करेगा, जब होस्ट सेल के जीनोम में जीनोम का पार्ट बन जाएगा तो होस्ट सेल के जीनोम से ये होस्ट सेल को डायरेक्ट करेगा और उसको इंस्ट्रक्शन देगा और उसको कंट्रोल करेगा किस काम के लिए, टू प्रोड्यूस वायरसेस। ठीक है, तो अपना कॉपीज को वो बनाता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, नाउ द मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस वायरस एंड एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री। अभी मैंने बताया, अभी जो मैक्रोफेजेस है ये क्या करेंगे, क्योंकि अभी होस्ट सेल के जीनोम को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इट इज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ द होस्ट सेल, नाउ इट कैन यूज इट द होस्ट सेल एज अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेम वायरसेस एचआईवी। ठीक है, उसका नंबर वो इंक्रीज करेगा। नाउ दिस इज रिपीटेड सो दैट द नंबर ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीजेस इन द बॉडी इन द इंफेक्टेड पर्सन। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना कि जितना ये इनका नंबर बढ़ेगा एचआईवी वायरस का, वो क्या करेगा, ये फिर जाके जो हेल्पर टी सेल्स है उसमें जाके ये इसके अंदर चला जाएगा। इट विल एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड देन व्हाट विल हैपन, इट रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस देयर अदर वायरसेस एंड एज अ रिजल्ट इट विल डिस्ट्रॉय द टी लिम्फोसाइट एंड द नंबर ऑफ द टी लिम्फोसाइट विल डिक्रीज स्लोली स्लोली एंड वन टाइम विल कम व्हेन द नंबर विल गो बिलो द नॉर्मल। ठीक है, एंड देन द पर्सन विल हैव इम्यून डिफिशियंसी इम्यून डिफिशियंसी प्रॉब्लम। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेक्टेड पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। जब ये प्रोसेस चलेगा, मतलब वायरस जब होस्ट सेल के पेशेंट के सेल को अटैक करेगा, फिर जब टी सेल को अटैक करेगा, तो क्या होगा, देर आर सम सिम्टम्स कैन बी सीन लाइक फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, दीज आर द सिम्टम्स कैन बी सीन। सिंस द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल लिम्फोसाइट्स डिक्रीजेस इन द बॉडी, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरसेस, फंगी एंड इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लास्मा। तो अभी क्या होगा, क्योंकि इम्यूनिटी घट रहा है धीरे धीरे पेशेंट के बॉडी में, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि पेशेंट को पेशेंट विल बी ससेप्टेबल फॉर द नॉर्मल इन्फेक्शंस, अदर इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और वायरस और फंगल इन्फेक्शंस, राइट। नाउ नाउ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो आपका एड्स, जो एचआईवी वायरस है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है। बेसिकली देखो, जो इसका ट्रांसमिशन का बहुत सारा, बेसिकली जो देर आर सम वे इट कैन ट्रांसफर, दैट इज द थ्रू द वाया द ब्लड एंड द सीमेन। बेसिकली सीमेन एंड ब्लड से ही ये ज्यादा ट्रांसफर होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम प्रिसाइज इसको बोलेंगे, सो वी कैन से इन दिस वे, ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू सम यू नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट कैन ट्रांसफर। ठीक है, और यू नो लाइक यूजिंग सम कंटेमिनेटेड नीडल्स, सिरिंज, इन फॉर दैट बाय दैट ऑल्सो इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। देन यूज ऑफ कंटेमिनेटेड रेजर्स, यूज ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स, देन sexual intercourse without an infected with an infected partner without a condom, that can also cause this type of problem. Then from infected mother to the child through placenta, then artificial insemination jab hum karte hain us samay bhi ye disease ho sakta hai. So there are many reasons, but basically hota kya hai, blood aur semen ka transfer agar ho gaya ek person se dusre person mein, to usme hi ye zyada transfer hone ke chances rehte hain. Theek hai na, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, या नॉर्मली जो दूसरे कंटीजियस डिजीजेस होते हैं, जो नॉर्मली जैसे छींकने से, खांसने से, उसका टॉवल यूज करने से, ऐसे नहीं फैलता है ये, या साथ में खाना खाने से भी नहीं फैलता है, बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीमेन से ये फैलता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही नॉर्मली फैलता है। और थर्ड क्या है कि जो ग्रोइंग फीटस है उसको ये उसमें ये जा सकता है फ्रॉम मदर, क्योंकि ये जो एचआईवी है इट कैन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर। So these are the three ways only by which this type of disease can cause. ठीक है, अच्छा, अब इसका incubation period क्या है, देखो इसका बहुत ही interesting जो चीज है, इसीलिए बहुत सारा controversy भी है, बहुत सारा arguments भी है about this disease. बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, बहुत सारे scientists के
एड्स इज नॉट अ डिजीज एंड एचआईवी कैन नॉट स्टे फॉर सो लॉन्ग। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि एड्स का जो वायरस, ये जो डिजीज है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब वायरस जो है उसके लिए नहीं होता, किसी और कारण के लिए हो सकता है। एंड द वायरस इज एक्चुअली कैन नॉट स्टे इनसाइड द ह्यूमन बॉडी फॉर दैट लॉन्ग। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट फॉर लॉट ऑफ अदर साइंटिस्ट, सो डोंट कंसिडर इट एज अ ट्रू। ओके, नाउ इंक्यूबेशन पीरियड। देखो इंक्यूबेशन पीरियड, यहीं से ये सब आर्ग्यूमेंट्स क्यों आता है ना, इसी सब जब डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा कि 6 मंथ से 10 ईयर्स तक हो सकता है। और सिम्टम्स जो आपको कुछ ज्यादा पता भी नहीं चलेगा, नॉर्मली सिम्टम जैसे क्या कह रहे हैं, जब प्रीमियर जो 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 शुरू में जब इन्फेक्शन होता है तो उस समय पेशेंट को फीवर, लेथर्जी, उसके बाद नौजिया, डायरिया, वोमिटिंग, हेडेक, रैशेस, ये सब हो सकते हैं। अब ये सब तो किसी और भी प्रॉब्लम के भी सिम्टम्स है, तो हम ये कैसे पता कर लें कि ये किसी पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन हुआ ही है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, इसे कोई प्रॉपर सिम्टम्स ही नहीं। ठीक है, नाउ द सिम्टम्स ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन इंक्लूड्स फीवर, लेथर्जी, दिस आर आई हैव डिस्कस्ड। नाउ अब इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, देयर आर सम टेस्ट, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड टेस्ट वी हैव दैट इज कॉल्ड एलिसा और एलाइसा। ठीक है, सो एलाइसा जो टेस्ट है जिसको हम, और दूसरा भी होता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज कर सकते हैं एलाइसा। ठीक है, तो एलाइसा जो यूज कर सकते हैं उसी उससे हम पता कर सकते हैं ये डिजीज है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा है कि वेस्टर्न, जस्ट अ मिनट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ठीक है, सो दिस आर द टू मेथड to detect the HIV virus inside the human body. ठीक है, अब देखो एलाइसा जो है हम बायोटेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। एलिसा जिसको हम बोलते हैं, और एलाइसा जो भी बोलो, इट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एसे नहीं है, एसे है, ASSAY। ठीक है, बायोटेक में और डिटेल में पढ़ लेना, पढ़ना है वहां पे। ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखो ऐसा ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट तो है नहीं। ठीक है, नॉर्मली इट इज बेटर टू एडुकेट पीपल, इट इज एक्चुअली प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर बेटर। फिर भी देर आर सम ड्रग्स विच आर यूज बाई द पेशेंट्स, डॉक्टर्स यूज देम, दैट एग्जाम्पल इज जूडो रूडीन, AZT। ठीक है, एक होता है जुडोवुडीन और AZT जिसको एजिडोथाइमिडीन नाम है इसका, एजिडोथाइमिडीन और जुडोवुडीन, ये सब मेडिसिन यूज करते हैं जो पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है उसको थोड़ा हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बाय गिविंग दिस मेडिसिन, राइट। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, we do not have any vaccine for the AIDS virus, so people are till now trying to develop the virus, vaccine, but till now we are not able to produce. Next hai kuch information jo aapko janna chahiye, there is a organization that is called the National AIDS Control Organization, that is called NACO, which is spreading awareness, or you know, like throughout the world it is providing the awareness about the AIDS disease, and December 1st is actually considered as World AIDS Day. Okay, so 1st December is actually considered as World AIDS Day. So for this type of disease it is better to actually educate the people instead of searching for the treatment. So before we move on, I will just need to discuss a basic method by which this is the process by which the virus is infecting the host cell. तो देखो आप ये जो retrovirus है यहाँ पे आप देख सकते हो, so this is the viral RNA core. तो ये जो viral जो protein coat है इसके अंदर रहता है, तो ये क्या करेगा, normal infected जो virus जो है वो क्या कर रहा है, देखो normal जो cell है उसके अंदर चला जाएगा, ये जो viral जो DNA है वो चला जाएगा इसके अंदर, normal cell के अंदर। ठीक है ना, तो वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल चला गया, फिर क्या कहेगा, द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी आरएनए से क्या बन जाएगा, सेल के अंदर जाके, होस्ट सेल के अंदर जाके वो बना देगा डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
and there is an enzyme, liver transcriptase enzyme, with the help of that. Then we can see that the viral DNA incorporated into the host cell genome. फिर ये जो DNA है वो host cell के genome में आके settle हो जाएगा, उसके साथ ये जुड़ जाएगा, incorporated हो जाएगा viral जो जो genetic material उसके साथ. Then the new viral DNA is produced by the infected cell. अब ये control करेगा क्योंकि अब ये genome के साथ part बन चुका है ये आपका viral DNA, sorry viral DNA. Then it will instruct the cell to produce new the new viral RNA. ठीक है, एंड फ्रॉम देयर फाइनली इट विल प्रोड्यूस द न्यू वायरस एंड ऑटोमेटिकली. अब इसके बाद क्या होगा, सेल का जो भी मटेरियल उसको यूज करके जो नए वायरस है वो बन जाएंगे. इट विल फॉर्म द कोट एंड द न्यू वायरस विल मल्टीप्लाई लाइक दिस एंड देन फाइनली इट विल कम आउट एंड इट विल एक्चुअली इन्फेक्ट द अदर सेल. सो दिस इज द वे इट एक्चुअली हैपेंस. सो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो now, so this is the basic means we need to discuss about the AIDS virus, or sorry, the AIDS disease. These are the basic things we have discussed. So the next class we'll discuss about the immunosuppressant and what happens in the organ transplantation, what are the limitations, and the cancer. Okay, so in the next class we'll finish till cancer, and then this part in this the chapter of the human health and disease, this is the one part of the different types of diseases we'll almost finish, and after that we'll talk about some of the other diseases which we need to talk. Then we'll move on to the next part of the chapter, that is your drugs and alcohol abuse. Theek hai, till then take care, thank you.